हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील पटेल और आप देख रहे हैं बेस्ट डिजिटल चैनल। जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे कि MI मोबाइल में क्या क्या स्पेसिफिकेशन है और उसकी डेट कब अपने भारत में वो लॉन्च होने वाला है, उसकी डेट के बारे में हम आज आपसे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अभी एक रिपोर्ट के मुताबिक MI रेडमी नोट 4 का दो दो मोबाइल आने वाले हैं, एक रेडमी नोट 4 और एक रेडमी नोट 7 और एक रेडमी 7। तो स्मार्टफोन जनवरी में लॉन्च हो चुका है, ये स्मार्टफोन दोनों लॉन्च हो चुके हैं पर भारत में अभी तक नहीं हुए हैं। तो इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, फिर इसके बाद मैं बताता हूँ कि वो भारत में कब लॉन्च होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, रेडमी नोट 7 स्मार्टफोन जनवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। यह फ़ोन 6.5 इंच की टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है जिसका रेजुलेशन 1080 पिक्सल है। तो फ्रेंड्स, ये रेडमी नोट सेवन का है 2.2 GHz प्रोसेसर दिया गया है, 32 GB 3 GB रैम दी गई है और 32 GB इंटरनल स्टोरेज और 64 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ दोनों के साथ आता है। फ्रेंड्स, तो इसके बारे में और जानकारी के लिए हम यहाँ पे आते हैं। ये 6.30 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, प्रोसेसर 2.2 GHz है और फ्रंट कैमरा फ्रेंड्स 13 MP का दिया गया है, रेजुलेशन 1080x2340 पिक्सल दिया गया है। रैम 3 GB है और OS एंड्रॉयड ओरिया है, नया एंड्रॉयड वर्जन आ गया है फ्रेंड्स इस पर। स्टोरेज 32 GB दी गए और रियर कैमरा फ्रेंड्स 48 MP, जी हाँ 48 MP का दिया गया है और प्लस में 5 MP। बैटरी क्षमता 4000 MP की दी गई है। और देखते हैं इसके बारे में, रिलीज डेट जनवरी 2019 को थी, तो अभी भारत में लॉन्च नहीं किया गया है, यहाँ पे लिखा गया है, पर हम आपको बताएंगे कि भारत में कब लॉन्च होने वाला है तो इसकी डेट हम आपको कंफर्म कर देंगे। इसका वजन 1.86 ग्राम है। बैटरी 4000 है, नॉन रिमूवेबल बैटरी है, फास्ट चार्जिंग है और इसके रंग बहुत सारे ज़्यादा हैं। स्क्रीन का आकार ये तो वही है। और हाँ फ्रेंड्स, ये गोरिल्ला ग्लास से सुरक्षा का प्रकार आप देखिए, ये गोरिल्ला ग्लास से लेस रहेगा फ्रेंड्स। आप मतलब गोरिल्ला ग्लास एक बहुत ही अच्छा मजबूत टच का स्क्रीन के लिए रहता है कि उससे कुछ नुकसान नहीं होता है। हार्डवेयर में देख लेते हैं क्या क्या है। प्रोसेसर बनाते हैं स्नैपड्रैगन 660, रैम 3 GB, स्टोरेज ये तो वही आ रहे हैं और अलग से इसमें कार्ड लगा के आप 256 GB तक स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके कैमरा के बारे में 48 MP मैं आपको बता ही चुका हूँ। सॉफ्टवेयर पे देख लेते हैं, एंड्रॉयड ओरिया MIUI 9 वर्जन है और इसको अपडेट कर सकते हैं MIUI 10 वर्जन में। कनेक्टिविटी में देख लीजिए, वाईफाई है, GPS है, ब्लूटूथ है, USB टाइप है, हेडफोन है, FM नहीं है। जी हाँ फ्रेंड्स, FM नहीं है इस मोबाइल पे। तो आज के ज़माने में FM ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड्स, अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है। इस मोबाइल में रहे ना रहे आप फिर भी चला सकते हैं। सिम दो लगेंगी, नैनो सिम लगेंगी दोनों। इसके बाद सेंसर के बारे में देख लीजिए फ्रेंड्स, फिंगरप्रिंट सेंसर है, मौजूदगी पता लगाने वाला सेंसर है, एक्रोनोमीटर सेंसर है, एम्बिटिन लाइट सेंसर है और जेरोस्कोप है। तो फ्रेंड्स, यदि ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको बताने वाला था कि ये भारत में कब लॉन्च होगा, जो कि यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसमें शो कर रहा है कि भारत में अभी नहीं आया है, भारत में लॉन्च किया गया है मतलब नहीं।
तो भारत में लॉन्च अभी ये नहीं किया गया है, इसकी डेट आ चुकी है कि ये भारत में लॉन्च कब होगा, इसकी डेट आ गई है 28 फरवरी। जी हाँ फ्रेंड्स, 28 फरवरी को भारत में लॉन्च हो जाएगा ये मोबाइल, और आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं इस मोबाइल को अमेजोन या फ्लिपकार्ट कहीं से भी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन दबा दीजिए फ्रेंड्स। सो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।